शहीद स्मारक द्वार का जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान ने किया शिलान्यास। मुंडा पांडे 21 अप्रैल 2011 को चीन बॉर्डर पर गश्त करते हुए राजेंद्र राणा शहीद हुए थे। उनके सम्मान में स्मृति द्वार का शिलान्यास डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद द्वारा किया गया, तो वहीं शिलान्यास के दौरान शहीदों के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। शहीद हुए जवान के भाई नरेश प्रताप सिंह ने बताया कि मैं शिलान्यास के लिए हर एक जिले के अधिकारी और क्षेत्र के नेता से मिला, मगर उसके बदले सिर्फ आश्वासन देकर भेज दिया गया था कि आपके परिवार से शहीद हुए जवान के नाम से शहीद स्मारक बनवा दिया जाएगा। मुझे 10 साल तक सरकारी दफ्तरों और नेताओं के चक्कर काटते हुए हो गए थे, मगर किसी अधिकारी या राजनीतिक नेताओं ने शहीद स्मारक बनवाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब भाजपा सीट से निर्विरोध विजय हुई डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जब मैं पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत शहीद स्मारक के शिलान्यास के लिए मुझसे कहा, जो आज बुधवार के दिन डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान ने शहीद स्मारक का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इससे मेरे परिवार में खुशी का माहौल है कि हमारे परिवार से शहीद हुए राजेंद्र राणा के नाम का अक्का डिलारी चौराहे पर गेट का शिलान्यास किया गया है। अब क्षेत्र की जनता इस चौराहे और सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाले इस मार्ग को अक्का डिलारी घोसीपुरा शहीद स्मारक राजेंद्र राणा के नाम से जानेंगे। इस शिलान्यास में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि गिरीश वर्मा, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, पूर्व ब्लॉक सदस्य ललित कौशिक एवं जिला पंचायत सदस्य रंजीत यादव, अजय वीर यादव, जगत सिंह सैनी, विनोद सैनी, गजराम सिंह जिला पंचायत पति की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित नरेश प्रताप सिंह, शहीद राजेंद्र राणा के भाई एवं जनरल प्रताप सिंह भतीजे, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शिशुपाल शर्मा, इंजीनियर अमित उस्मान अली प्रधान, अक्का डिलारी गुलाम अली गुड्डू आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैडम, आज आपने शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए आज उनके एक द्वार का शिलान्यास किया है, ये प्रेरणा आपको किसने दी और आपके मन में क्या आया? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एक लंबित मामला था और जिसको आज आप शहीदों के परिवार को ये गेट उपहार में दे रही हैं, क्या कहना चाहिए इसमें? देखिए, मैंने अभी भी ये बात कही कि हम भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों पर चलते हैं। मूल सिद्धांत पार्टी का राष्ट्रीयता है और राष्ट्र के नाम पर जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है उनका सम्मान तो सर्वोपरि है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मेरा कार्यकाल जो शुरू हुआ, तो तब से हमने सोचा कि सबसे पहला कार्य हम इन्हीं शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देकर ही शुरू करें, तभी हमारा कार्य शुरू हो। मैडम, जिस तरह से आज ये शिलान्यास हो रहा, क्या शहीद के परिवार से कोई सदस्य मौजूद था या नहीं था? भाई साहब उनके मौजूद थे, जितेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे राजेंद्र सिंह राणा जी के परिवार से उनके भाई नरेश प्रताप सिंह और जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। मेरे मौसेरे भाई, मैं यही कहूंगा कि इतनी परसों से लड़ाई लड़ने के बाद पिछली सरकारों ने इसको बिल्कुल नहीं सुना और अपने निजी जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुना और किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। जन सेवा के लिए तो उतरते हैं, MLA MP बनने, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए तो उतरते हैं, लेकिन शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं, पैसा मांगते हैं और ये मेरे साथ हुआ। ये केंद्र सरकार से लेके मैंने राज्य सरकार तक इसको लड़ा है और बहुत कठिन लड़ाई लड़ी है, लेकिन मैं बार बार दोनों अपने मेंबर अजय वीर सिंह और अपने जो जगत सिंह सैनी और माननीय MA साहब को, शर्मा जी को और अपनी डॉक्टर शेफाली चौहान को, जो पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टरी में उन्होंने बिल्कुल दर्द को पीड़ा को समझा कि हाँ सच्ची सेवा के लिए वो उतरी हैं। उन्होंने पहले ही ये प्रस्ताव शहीदों के नाम पे किया और बार बार धन्यवाद और हमारी याद। हमारा योगदान इतना है, नरेश प्रताप सिंह ने सबसे पहले बोर्ड की जब बैठक थी, एक प्रतिलिपि मुझे और एक प्रतिलिपि मेरे साथी जगत सिंह सैनी को दी और हमने बोर्ड की पहली बैठक में अध्यक्ष महोदय को ये प्रतिलिपि दी कि हमारे क्षेत्र के शहीद हैं। हमें आपसे निवेदन करते हैं कि सबसे पहला काम शहीदों को होना चाहिए। अध्यक्ष जी ने हमें सहमति देते हुए आज इस द्वार का शिलान्यास कराया। कैसे महसूस कर रहे हैं आज आपको जिला पंचायत चुनने के बाद आपके कहे अनुसार पहला काम हो रहा है क्षेत्र में? ये हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अपने आप को प्रतीक महसूस हो रहा है कि हमारे अर्थक प्रयासों से हमारे क्षेत्र में कुछ कार्य। देखिए, हमने जब से पहले प्रधान रहे उस पीरियड में भी मैंने इसको कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, नेताओं को अवगत कराया, परंतु सभी ने नज़रअंदाज किया। लेकिन हमने मन बना रखा था कहीं ना कहीं हमें अगर ताकत मिलेगी तो इसको हम प्रायोरिटी पे काम कराएंगे। हमें क्षेत्र की जनता ने ताकत दी, हमें जिला पंचायत बनाया। जिला पंचायत बनने के बाद में हमने मन